नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह का टाइम है, मैंने कहा आप लोगों की, हमारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी एनर्जी चेक अभी बाकी है तो मैं करूं और बताऊं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो हे डिवाइन एंजल्स, मैं बताइए कि इस हफ्ते में हमारे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो हमारी डीएफ हैं, हम उनकी पहले एनर्जी निकालते हैं। देखिए, जो हमारी डीएफ हैं, मुझे ऐसी एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ तो आप अपने ट्विन फ्लेम का इंतज़ार कर रही हैं और उसके साथ साथ ही बहुत सारे सोलमेट भी एंट्री कर रहे हैं। तो आपका दिल इन दिनों में जगलिंग जगलिंग कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं वेट करूं या इस तरफ बढ़ जाऊं। तो आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। तो अभी आप दो चीज़ों में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये एनर्जी यहाँ पर बताती है, ओहो आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं आपके आसपास में। देखिए, कोई तो आपको धोखा दे सकता है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए, पेज का कार्ड है, कोई चांस आपको मिलेगा किसी भी चीज में, आपके काम में या किसी भी मामले में। तो वहाँ पर आप कोई बचपना ना कीजिए, गलती मत कीजिए। नहीं तो देखिए, इस कप है, ये इमोशन का कप है, या कोई भी गिफ्ट आप समझते सकते हैं, उसमें फिश है, तो फिश तो इतने से कप में से फिसल जाएगी। तो फिर आप लोगों को, क्योंकि पेज की एनर्जी वो 15-16 साल के युवाओं की होती है जिनको पता नहीं होता कि अभी ये करें, अभी वो करें, कब क्या करें, ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना चाहिए। आप एक मैच्योर हैं, वैसे हंसिए, खेलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन बचपना कीजिए पर इतना वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, तो मुझे दिखता है कि बहुत सारी जो हमारी डीएफ हैं वो किसी कार्मिक के साथ हैं, चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो किसी सोलमेट के साथ आपके कनेक्शन थे या किसी कार्मिक के साथ थे, जहाँ पर देखिए कार्मिक ने आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट किया है, या आप खुद में अपने आप में कुछ ऐसा गिल्ट फील कर रहे हैं, आप तकलीफ में हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, एक थोड़ी सी डार्क एनर्जी, ठीक है। तो ये डेथ कार्ड दिखाता है कि यहाँ जब आप ख़त्म करेंगे सारी चीज़ें कार्मिक के साथ, या जिनको आप नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ से आपकी जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ेगी। फिर ये कार्ड आया हुआ है, और काफ़ी देखिए इसमें लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। तो ये लड़ाई झगड़े फिजिकली तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ वाद विवाद या कुछ आर्गूमेंट कुछ लोगों से आपकी हो सकती है। तो देखिए, ये यहाँ पर थोड़ी सी डार्क एनर्जी आई, डेथ कार्ड आया, ये आया, तो आपकी एनर्जी इस समय में डिवाइन फेमिनिन मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज़्यादा डीपली सोच रही हैं, घुसती चली जा रही हैं, ओवर थिंकिंग इतना क्यों कर रही हैं। आप लोगों की एनर्जी इस हफ्ते मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है, तो कोशिश कीजिए और इस बात को लेकर कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम कार्मिक, इन सब में जो कन्फ्यूज़ हैं आप, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि इस समय में डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपके कार्मिक्स हैं वो सोलमेट का रूप ले लेकर आपको हो सकता है दोबारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, और आपको समझ में ना आए कि अरे ये लोग तो बहुत अच्छे हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ। तो अभी कन्फ्यूज़न से निकल जाइए, क्योंकि फिर से ऐसे करेक्टर में वो लोग आ सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में मत रहिए, और ओवर थिंकिंग मत कीजिए, चक्रास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि हमारे डीएम की एनर्जी क्या बताती है सकते हैं।
ये देखिए, आपके जो डीएम हैं ये हर डिवाइन फेमिनिन के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर डीएम अपने पैसों को कमाने में, अपनी लग्जरी में, और वो किसी के साथ अभी भी थोड़ा सा लगे हुए हैं और आपको देखकर बुरा लग रहा है, तो ये सब मत फील कीजिए। देखिए, आपकी अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचने वाली, निगेटिविटी वाली थोड़ी सी आई है, और उसके साथ साथ ही ये कुछ भी कर रहे हैं, इन चीज़ों पर मत जाइए। देखिए, सोलमेट कार्ड आ गया फिर से, ठीक है। तो आप लोग के आसपास बहुत सारे सोलमेट इस समय पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके डीएम, देखिए पेज ऑफ वॉन्ट्स, आपके डीएम अभी अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से पेज का कार्ड है, तो कुछ गलतियाँ करेंगे, चीज़ें करेंगे, तभी तो उनको और झेलना पड़ेगा, और कर्मा जब तक चुका नहीं पाएंगे तब तक तो बाहर नहीं आ सकते पूरी तरह से। तो यहाँ पर पेज का कार्ड दिखाता है कि आप भी थोड़ा बचपना कर रही हैं। यहाँ पर दोनों लोग देखिए पेज के कार्ड में हैं, तो ये क्या एनर्जी चल रही है अभी इस हफ्ते में। हमारे डीएम डीएफ, आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रास कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी शुरुआत करने से पहले बहुत सोचिए समझिए। ओह, देखिए फिर से मून कार्ड, आपकी भी स्थिति ऐसी है और उनकी स्थिति भी ऐसी है, कुछ ना कुछ तो उनके साथ ऐसा जरूर हुआ है। हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत टेंशन ले रहे हैं, अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो उनको अब चुभ रही हैं, समझ में आ रही हैं, इमोशनली वो बहुत कुछ चुभता हुआ सा फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि मून कार्ड। तो यहाँ पर हमारे जो डीएम हैं उनको मून हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, और हमारी डीएफ हैं, अगर आप डेली करेंगी तो भी आप ही हैं आपका डीएम, तो सारा कुछ असर वहाँ भी होने वाला है। तो प्लीज़ हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि ये ड्यूटी डिवाइन ने आपको ही दी है, एक तरफ सारा इनर वर्क और चीज़ें करने की, कि आप जो करेंगे वो आपके डीएम तक जाएगा, तो प्लीज़ मून हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मून मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं इस महीने, एनर्जी अच्छी नहीं आ रही। देखिए फिर से यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डीएम सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का मामला है वो अभी तक उनके साथ दिखाई दे रहा है। और देखिए, लेकिन यहाँ पर आया जजमेंट कार्ड, तो अभी कहीं ना कहीं डीएम को एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, कि उन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ, अभी बोले चाहे ना बोले इस हफ्ते में, पर एहसास जरूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट कार्ड बताता है कि किसी को अपनी गलतियों का एहसास होना। हो सकता है कुछ डीएम जिनकी बातें अपने डीएफ से हो रही हों, वो कुछ ऐसी बातें कहीं भी, अपनी गलती को माने भी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स, तो जो डीएम है वो अभी बहुत प्रैक्टिकल बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से एनर्जी आ रही थी किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसों के पीछे जा रहे हैं हमारे डीएम, तो वो उस तरफ गए हैं। उनकी बहुत सारी, हो सकती है उनके परिवार की, उनके काम, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां हों जिसको निभाना चाहते हैं, उसके साथ उनके अंदर अभी थोड़ा सा इमोशन की कमी मुझे नज़र आ रही है, बहुत प्रैक्टिकल बनते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा ईगो नज़र आ रहा है उनके अंदर अभी भी, और थोड़ी सी अभी भी माइंड में उनके चालाकी है। तो ये चालाकी वालाकी वो कुछ भी करते रहें, उनको बनना तो कुछ और है, बस अवेकनिंग चल रही है अभी, उन्हें उतना ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए अब हम निकालते हैं कि आप दोनों की आउटकम एनर्जी इस मंथ में, इस हफ्ते में क्या आती है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, और उसके नीचे देखिए फिर से थर्ड पार्टी का कार्ड है, थर्ड पार्टी तो जो है पीछा नहीं छोड़ी, लेकिन हमारी डीएफ, आप अच्छे से इनर वर्क नहीं करेंगी तो ये उनकी जिंदगी में जो कार्मिक है रिलीज नहीं होगा। आपका जब सोल यूनियन होगा तभी ये कार्मिक, यानी कि आप मेडिटेशन में जब उनसे मिलेंगे, उनको अपनी एनर्जी देंगे, उनकी अवेकनिंग होनी शुरू होगी, तभी ये कार्मिक उनकी जिंदगी से निकलेंगे, ठीक है। ये कार्ड दिखाता है कि बहुत सारा थक हार के लड़के अब आप पीछे के एक्सपीरियंस में नहीं जाना चाहते, अच्छे से आगे चलना चाहते हैं, तो प्लीज कीजिए इनर वर्क। देखिए आप लोगों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही कि डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि पता नहीं कहाँ गुम है,
अपने में ही पता नहीं कौन कौन सी सोच में ओवर थिंकिंग में डूबी हुई हैं, और यहाँ पर सामने इतने कप रखे हैं, डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं, वो प्यार का कप दे रहे हैं, लेकिन आप ले ही नहीं रहे, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे कि आपके चारों तरफ क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। आँख खोलिए, डिवाइन की एनर्जी को फील करिए, इंटेंशन को फील कीजिए, देखिए आपके अंदर, आप दोनों के अंदर स्ट्रेंथ आएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आएगी आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर द मून है, उसके ऊपर ये है, इन सब सारी चीज़ों से आपको निकलना होगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ तभी आएगी जब इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। यहाँ पर आ गया है डेविल कार्ड, तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है हमारे डीएम और डीएफ की आप लोग एक दूसरे को फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। जो बबल्स पीरियड थे, जो टाइम था, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आपके डीएम आपसे बात करें ना करें, लेकिन उस टाइम को, उस फिजिकल अट्रैक्शन को, उस जो आपने बिताया होगा, वो अट्रैक्शन उन्हें दोबारा फील हो रहा है, वो टाइम को वो मिस कर रहे हैं और दोबारा वैसा वक्त जीना चाहते हैं, लेकिन वो अभी थोड़े से अलग मूड में हैं, जिम्मेदारियों में तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपको भी ऐसा ज़रूर फील होगा। यहाँ पर तेज आप शॉर्ट देखिए, आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको, तो मैंने समझाया हमारे डीएफ की, आपको ना पिक्स देखनी है, ना बात करनी है, ना आवाज़ सुननी है उनके बारे में। जब तक आप देखिए डिटैच नहीं होंगी ना, तब तक यूनियन नहीं होने वाली, जो है साफ बात। एक दो चीज़ें हैं कि आप डिवाइन को टोटली सरेंडर करें, अपना दिमाग ना चलाएं, और दूसरा है इनर वर्क बहुत अच्छे से कीजिए, और तीसरा कि अनअवेकन जो हमारे डीएम है उनको भी बिल्कुल भी आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि आप एक दूसरे को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल नेटवर्क पे, मीडिया पे, कहीं पर भी आप देख रहे हैं चुपचाप एक दूसरे को, तो उनको देखने दीजिए, आप मत करिए, अपनी एनर्जी मत दीजिए अभी उन्हें। एनर्जी देनी ही है तो फिर मेडिटेशन में दीजिए, लेकिन इस 3D में आपको उनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी है। अब देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स, कोई ना कोई न्यूज़ है, कुछ ना कुछ है, कोई तो आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही है कि जो हमारे डीएफ ने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, उनकी तरफ कुछ चीज़ें बढ़ती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज इस हफ्ते में मैंने देखा कि पिछली बार सोलमेट कार्ड आया, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए, लेकिन आप लोगों की एनर्जी इस समय पर मुझे दोनों की ही बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ सेवन चक्रास कीजिए, मेच्योर ट्विन मेडिटेशन कीजिए, आप जाइए मेरे चैनल पर, बातों को समझिए अगर नहीं समझ में आ रही है, तो एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मुझे अभी आप लोग बैलेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारे ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी चेक हफ्ते भर का, तो जो भी मैंने कहा है उस पर ज़रूर ध्यान दें। और इसी के साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अपने बारे में, तो मुझे मेल कर सकते हैं विभा सिंह vibhasinghact80@gmail.com पे संपर्क कीजिए, और शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले और एनर्जी को इतना बैलेंस करने की अगले हफ्ते बहुत प्यारे प्यारे सुंदर से कार्ड एनर्जी वाले आएँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो चलिए, शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है, आगे बढ़िए, इनर वर्क कीजिए, सुस्त मत रहिए, जैसा कि आप दिखाई दे रहे हैं मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं। अच्छा अच्छा जब पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ें रियलिटी में आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो चलिए, मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो बनाया तो अच्छा लग रहा है, पहली बार कि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठी, मेरी खिड़की से सूरज निकलता हुआ दिख रहा है, मैंने नया नया अभी घर शिफ्ट किया है, इसलिए अभी एक दिन लेट हो गया, वीडियो में नहीं डाल पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।